हेलो जी, राम राम जी। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। और गाइस टाइम हो चुके हैं दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। तो गाइस आज जो हमने सुबह वीडियो डाली थी, पता नहीं यूट्यूब ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ना इंसाफी कर दी यूट्यूब ने, हमारी वो वीडियो डिलीट कर दी। तो गाइस इसलिए अब इवनिंग में बनाऊंगी वीडियो, दिखाऊंगी आपको अपना इवनिंग रूटीन और क्या क्या करेंगे हम। और देख प्रीत बोलेगी आपको, राम राम जी बोलो। राम राम जी। तो जी ये नानी अब जाएंगी ट्यूशन में, देवर से भी नहाने लग रही, चलाऊंगी बाथरूम में से निकाल के। और मम्मी जी भी बैठी है हमारे साथ में, तो जी मम्मी जी की भी आया है, लो लीजिए। और अभी इन्हें रेडी करके भेज देते हैं पहले ट्यूशन में। मम्मी की टीचर बन जाना, कैसे बनोगे? कैसे बनोगे मम्मी की टीचर? किसने सिखाया? मेरी मैम ने आज का। क्या सिखाया मुझे तो पता भी नहीं, क्या सिखाया मैम ने? क्या सिखाया क्लासरूम में? वो सिखाया है आपे सारे शब्द लिखो आपे। अच्छा, और अभी कहाँ जा रहे हैं आप? ट्यूशन भी जाना? धैर्य भैया गए, चलो आधा घंटा भी खेल आओ, दोनों जाओ घूम के आओ। इसे भी दे दे बेटा, चिप्स इसे भी दे दो। और जल्दी आ जाइए, ठीक है? मैं आवाज़ लगा दूंगी, फिर जल्दी आ जाना ट्यूशन के टाइम से पहले। ओके, नीचे जाओ घूम के आओ, जल्दी घूम के आ जाइए, ठीक है? बच्चे तो चले गए अभी घूमने के लिए, और पापा जी आए खेत पे से, उनके लिए हमने बना दी गाइस ठंडी ठंडी ग्लूकोंडी। तो गाइस बच्चे तो अभी ट्यूशन गए हुए हैं, और भैया मैं उठाकर रख देती हूँ इनकी पंजाबी जूती जो ये अमृतसर से लेकर आई थी दोनों बहनें अपने लिए, क्योंकि अगर इनको बाहर दिखाई देती है ना तो देवशी बार बार पहनती है, तो बार बार पहनने से तो भैया ये ख़राब हो जाती है, और उससे पता नहीं कि पानी में भी लेके जाना होता है इन्हें या नहीं, तो पानी में ख़राब हो जाएगी। और फिर जब देवशी पहनती है तो प्रीत का भी मन करता है, इसलिए मैं इन्हें उठाकर रख देती हूँ, उसे दिखाई नहीं देगी तो पहनेगी भी नहीं। तो गाइस उनके ट्यूशन से आने से पहले छुपा कर रख देती हूँ, क्योंकि देवसी भी ढूंढ लेती है, चाहे मैं अलमारी में कहीं पर भी रख दूँ इन्हें। तो गाइस देखिए दोनों बहनों ने ली थी ये अमृतसर से अपनी पंजाबी जूती, और ये देवसी की, और भैया ये प्रीत की। तो गाइस देखिए सुंदर तो बहुत लग रही दोनों की, बताना गाइस ज़्यादा सुंदर किसकी लग रही? पूरी पे वर्क है आगे पीछे प्रीत वाली पे तो, और मिरर वर्क है गाइस जी, हाथ लगाने से भी पता चलता है। देवशी वाले पे घुंघरू वाला वर्क है। तो गाइस इन्हें उठाकर रख देती हूँ, वरना देवशी बार बार पहन के इनको खड़ी हो जाती है। जूती तो जी मैंने दोनों बहनों की छिपा के रख दी, और अब चलेंगे बाहर, देखेंगे बाहर भी गाइस कैसा मौसम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, मैं रूम में ही थी पहले, थोड़े से कपड़े वगैरह अलमारी में सही करके रख रही थी, और अभी थोड़ा जो तार पे कपड़े वगैरह फैले पड़े उन्हें उतार लेते हैं, और फिर थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से। तो गाइस देखो हमारी गुड़िया रानी आ गई ट्यूशन से, और खुद अपने लिए ग्लूकोन डी बना के पी रही। देवशी बताओ सबको किसके लिए बना रहे आप ग्लूकोन डी, बता दियो भाई। अपने लिए बन गई, गाइस जी को पिला दो एक बार, यूट्यूब फैमिली को पिला दो। तो हमारी यूट्यूब फैमिली पीजिए देवशी के हाथ की ग्लूकोन डी, इसने खुद से बनाई ग्लूकोन डी, पहले इसके दादू को बना के दी थी भैया,
क्योंकि मैं खेत पे से आए थे आज सुबह से, पापा जी खेत पे ही है, पानी चलता है मंगलवार के दिन हमारे खेत में, तो आज पापा जी तो खेत पे ही थे, तो अभी आए थे थोड़ी देर पहले, चाय भी नहीं पी उन्होंने, तो बस ग्लूकोन डी पी। कैसी बनी बाबू? ओए प्रीत बाबू, एसी में? चलो बंद कर दिया था मैंने, चला लो रूम में जाके, ठीक है? दूध दू? बस पानी। तो गाइस गर्मी इतनी हो रही, हाँ चलो पी लो, अंदर रूम में चले जाओ, ठीक है? रूम में बैठ के पी लो, नीचे मच्छर काटेंगे, ये कपड़े नहीं पहन के जाना नीचे। तो गाइस देखिए मौसम तो ऐसा हो रहा है जैसे बारिश वारिश आएगी, पता नहीं भैया तूफान वगैरह भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि इस टाइम ना डेली हो जाता है और मुझे जाना पड़ रहा है अभी नीचे, कुछ काम है, किसी को थोड़े से पैसे देने हैं भैया, तो मैं जाऊंगी नीचे और मम्मी जी दूध निकाल रही, बच्चे रूम में बैठ गए दोनों। तो चलिए गाइस आपको लेकर चलते हैं नीचे अपने साथ में। तो गाइस देखिए नीचे मम्मी जी निकाल रही दूध, और अभी मौसम हो रहा बड़ा अजीब सा, और सनसेट का व्यू देखिए गाइज, ऊपर से तो दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो गाइज देखिए सनसेट का व्यू, कितना प्यारा व्यू दिखाई दिया, ऊपर से तो ये व्यू दिखाई भी नहीं दे रहा था सनसेट का। और गाइज जब चलेंगे ऊपर, टाइम हुआ है शाम के 6:30 बजे हैं, 6:30 बजे का टाइम है और सनसेट होने वाला है। तो गाइज मैंने दिखाया आपको व्यू और मेरी आवाज़ आप देख सकते हैं भैया कितनी सुरीली हो रही, 3-4 दिन हो गए आराम नहीं पड़ रहा। तो भैया अभी मम्मी जी को दूध निकाल दी, पैसे नीचे रख के जाएंगे पापा जी के रूम में। तो गाइज देखिए देवसी की तो ताल बैठ गई ग्लूकोन डी में, एक गिलास पी लिया और दूसरा गिलास फिर से लेने के लिए आ गया मेरा भालू। कैसे लग रही भाई ग्लूकोन डी, कैसी लग रही? ताल बैठ गया ग्लूकोन डी में। चलो अच्छे से घोल लो इसे, मिक्स कर लो अच्छे से, मैं करके दूँ, मैं मिक्स करूँ क्या इसको अच्छे से? लाओ। हाँ बताओ, क्योंकि ग्लूकोन डी भैया कांच के ग्लास में ही अच्छी लगती है, इसलिए आपको स्टील वाले में नहीं अच्छी लगती, ठीक है? लेकिन तो कोई आवाज लगा रहा, चलो देखते हैं। ये ग्लूकोन डी पी के देवसी में तो एनर्जी ज्यादा ही आ गई, डांस भी चल गया इसका, तो नागिन डांस दिखाइए भाई, नागिन डांस, अरे वाह। तो गाइस देखिए देवशी अभी काम कर रही थी और काम करते करते भैया से लग गए मच्छर, तो अभी ये मच्छर भी मारेगी। अरे कितने मच्छर मार दिए। और भैया शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, सूर्य देव जा चुके हैं अपने घर पे, अभी तक मैंने लाइट जलाई थी क्योंकि फिर छोटे छोटे मच्छर से आते हैं लाइट पे, तो अब जला दिए। देवशी को अंदर लेके चलूंगी और मेरा बेटा तो मच्छर ही मारने में लग गया गाइस देखिए। और जी इधर हमारा येलो पुलाव भी बनकर रेडी होने लग रहा गाइज, हमने शाम के डिनर में बनाया है आज येलो पुलाव, देखिए बस अब ढक्कन ढक दूंगी, लेकिन पहले इसमें धनिया पत्ती डाल देती हूँ क्योंकि फिर ये अच्छे से गल जाता है। करीब करीब तैयार सही हो गया हमारा येलो पुलाव, और बस अब इसमें ढक्कन ढक दूंगी गाइज, धनिया पत्ती तो हमने डाल दी और बस अब ढक्कन लगा के रख दूंगी, जो थोड़ी बहुत कमी है वो अब ढक्कन लगाने के बाद बढ़िया हो जाएगा हमारा पुलाव। तो फ्रेंड्स देखिए बच्चे बैठे हैं अपने पापा के वेट में, अपने पापा का कर रहे इंतजार, और इनके पापा जी आ भी चुके। गुड इवनिंग जी, बहुत दिनों बाद मिलते हैं गाइस आप हमारे पति देव से, क्योंकि कभी ये चले जाओ और कभी जब तक मैं वीडियो का एंड कर दूँ ये आ नहीं पाते। तो बताओ गर्मी बड़ी अच्छी रही है? अच्छा रास्ते में तो, रास्ते में तो लगे ही सही बात है, जला दी देखिए अब इनको पिलाएंगे चाय पानी, नींद आ रही है तो बता के वेट में बैठी थी। तो गाइस देखिए बच्चे
थक के अब नींद का इंतजार कर रहे कि कब हमें सोना मिलेगा है। निन्नी का इंतजार कर रहे कि कब निन्नी यहाँ से चल के ऐसे ऐसे आंखों में घुस जाएगी है ना। चलो खाना खा लो और चलो फिर निन्नी कर लो, ठीक है। चलो भाई खाना खाओ। देवा मैं खिलाऊं छोटे से बच्चे को, छोटे से नन्हे मुन्ने को? चलो। तो जी अब देखिए हमारा पुलाव बनकर रेडी हो गया गाइस, और अब सबको करेंगे सर्व, बच्चों को भी खिला देते हैं क्योंकि फिर उन्हें नींद आ रही। तो भैया खाना तो सभी ने खा लिया जी, अब करेंगे थोड़े से बर्तन साफ और फिर बच्चों को सुलाएंगे क्योंकि नींद आ रही बच्चों को काफी तेज। तो फटाफट से ये खाने के बर्तन साफ कर देती हूँ। और गाइस देखिए मुझे थोड़ा सा पुलाव बचा, बाकी आज सभी सारा खा लिया सभी ने, क्योंकि जी पुलाव बच्चों को और पति देव को और घर में सभी को काफी पसंद है, बच्चों को और पति देव को ज्यादा पसंद है। तो गाइस जी बचा है इसको उठाकर रख देती हूँ फ्रिज में।